केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज अपने दौरे पर समस्तीपुर पहुंचे, जहां सराय रंजन के बथुआ बुजुर्ग गांव में बीजेपी कार्यकर्ता के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य है, इस देश में देश की राजनीति भारतीय अखंडता को खंडित करने की साजिश विदेशी ताकतों के द्वारा की जा रही है। वही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर मची घमासान पर पलटवार करते हुए कहा कि छोटी सोच वाले लोग आज कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। पद बहुत बड़ा है, सोच बहुत छोटी है। प्रणब मुखर्जी के मोहन भगवत के कार्यक्रम में जाने की निंदा कर रहे हैं। आज अगर गांधी जिंदा होते तो संघ के कार्यक्रम में जाने पर आज उन्हें भी गाली देते। गांधी संघ के कार्यक्रम में गए थे, संघ के कार्यक्रम में जाकर उसकी तारीफ की थी, क्योंकि संघ एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश और दुनिया में संस्कृति धरोहर सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक है। प्रणब मुखर्जी को निंदा कर रहे हैं कि 7 तारीख को मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में जाने पर। मैं समझता हूं कि आज अगर गांधी होते जिंदा तो ये गांधी को भी गाली देते संघ के कार्यक्रम में जाने पर। गांधी संघ के कार्यक्रम में गए थे और संघ के शिविर में जाकर के गांधी ने संघ की तारीफ की थी, क्योंकि संघ एक ऐसा संस्था है जो पूरे देश और दुनिया में सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक है। जब 1971 में पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो रहा था तो संघ के स्वयंसेवक देश के अंदर में सिविल पुलिस की भूमिका निभा रहे थे, दिल्ली के सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।